बांदा में डबल मर्डर से इलाके में सनसनी फैल गई। दो लोगों को दबंग ने गोली मारकर मौत की घाट उतार दिया। कटा में दो घायल भी हुए। इसके बाद से इलाके में तमाम लोगों में हड़कंप मच गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पूरे मामले की जाँच पड़ताल में पुलिस जुट गई है। आपको बता दें कि पूरा मामला बांदा जनपद के बबेरू थाना क्षेत्र के बैराव का है, जहां पर दो लोगों को गांव के ही दबंग ने जमीनी विवाद को लेकर गोली मारकर बचाने पहुंचे दो लोगों को भी दबंग ने लाइसेंसी बंदूक से फायर करके घायल कर दिया। इसके बाद दोनों घायलों को बांदा जिला अस्पताल में पहुंचाया गया। हत्या के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है, तमाम लोग सकते में है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। मृतकों के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जमीनी विवाद को लेकर हुई घटना को लेकर तमाम लोग सकते में हैं। आखिरकार इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया गया। क्या नाम है आपका? अवधेश। अवधेश कहाँ रहते हैं? अमरैया। क्या घटना हुई है ये आपके गांव में? सर, ये हमारे चाचा के घर में दारू पीकर ये लोग घुसे हैं और हमारे चाची को पकड़े हैं। फिर वहाँ से चाची हमारे छुटा किसी तरह भागी है। फिर हम लोगों को सबको सूचना दी है। हम लोग गए, हमारे चाचा को पकड़ के मार रहे थे तीनों भाई मिलकर, एक भतीजा और दो भाई। फिर हम गए छुटाए, ये लोग झगड़ा नहीं करना है, हमने मना किया कि झगड़ा नहीं करना है, मांगा। फिर ये लोग दारू पी रखे थे, फिर लोग गोली चलाने लगे ताकि दो लोग हम घायल हैं और दो लोग हमारा ध्यान तो चुका। फिर कितने लोगों को गोली मारी है? चार लोगों की गोली लगी है सर। अच्छा, तो दो लोग घायल हो चुके हैं और दो लोग ध्यान हो चुका दो लोगों। अच्छा, दो लोग मृत हो गए। हाँ जी। अच्छा, आप कहे में आपको यहाँ अस्पताल लेके आए हैं? एम्बुलेंस में, 108 में। एम्बुलेंस में जी सर। क्या नाम है आपका? अवधेश यादव। आज लगभग 10:15 बजे रात में जो एक घटना हुई थी थाना बबेरू क्षेत्र में, जिसमें कि एक ही परिवार के दो पक्षों के बीच में शराब पीने के बाद लड़ाई हुई और एक पक्ष ने अपनी एक लाइसेंसी सिंगल बैरल गन निकालकर दूसरे पक्ष पर फायर कर दिया, जिससे कि दो लोगों की मृत्यु हो गई और दो लोग घायल हो गए थे, जिनको तत्काल उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था, जहाँ उनकी स्थिति सामान्य है। तत्काल इसकी सूचना मिलने पर सभी अधिकारीगण मौके पर यहाँ पर आए हैं। फील्ड यूनिट यहाँ मौके पर आई है। इसके अलावा जैसे ही ये सूचना मिली, तत्काल हम लोगों ने कई टीमों को कॉम्बिंग के लिए लगाया अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए, और उसी क्रम में जो दो अभियुक्त हैं, जिनमें कि एक मेन अभियुक्त जिसने फायर किया था, उसको दौरान पुलिस मुठभेड़ गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके पैर में गोली लगी है और उसको उपचार के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया है, और एक और अभियुक्त जो उसका सह अभियुक्त था उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष अभियुक्तों के लिए अभी हम लोग गिरफ्तारी के प्रयास कर रहे हैं, जल्दी ही उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी और मौके पे कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है, आगे की अग्रेतर विधिक कार्रवाई की जा रही है।